Good morning, students. Here I am going to discuss standard 9th Sahitya Sagar Gadya Bhag Part 2 Kaki. Part 2 Kaki, लेखक शियाराम शरण गुप्त. पाठ को पढ़ने से पहले हम लेखक के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं. नाम शियाराम शरण गुप्त. जन्म 4 सितंबर सन 1895. जन्मस्थान झांसी के निकट चीरगांव. प्रमुख रचना अनाथ, आर्द्रा, मानुषी, पुण्य पर्व आदि. भाषा सरल, सहज तथा व्यवहारिक. निधन 29 मार्च सन 1963. इस पाठ में चार प्रमुख पात्र हैं. श्यामू, छोटा बालक जिसकी माँ की मृत्यु हो गई. विशेश्वर, श्यामू के पिता. भोला, सुखिया दासी का बेटा तथा श्यामू का मित्र. काकी, श्यामू की माँ. नाम उषा. स्थान तथा समय. स्थान, कमरा जहाँ काकी का शव रखा है. कमरा जहाँ श्यामू व भोला पतंग ठीक करते हैं. समय, प्रातः काल जब काकी की मृत्यु होती है. आइए पाठ के बारे में जानते हैं. इस पाठ में देखा जाता है कि किस प्रकार छोटे बच्चे अपनी माँ से अधिक लगाव रखते हैं. माँ का बिछड़ना वे सहन नहीं कर पाते. माँ के बिना उनका जीवन निरस हो जाता है. जैसे कि हम श्यामू के व्यवहार में देखते हैं. बच्चों की मनोवैज्ञानिक स्थिति को स्पष्ट करना ही इस पाठ का, इस कहानी का उद्देश्य है. बच्चे जीवन की वास्तविकता से अपरिचित होते हैं. कल्पना की प्रधानता उनकी विशेषता है. वे यह भी नहीं समझ पाते कि मरने के पश्चात व्यक्ति पुनः पृथ्वी पर नहीं लौटता. पतंग के सहारे माँ को आकाश से धरती पर उतारने का उपाय बच्चों की कल्पना शक्ति को ही स्पष्ट करता है. अपने परिजनों से अधिक विश्वास उन्हें अपने मित्रों पर होता है. संपूर्ण कहानी में बालक श्यामू अपनी माँ काकी के लिए व्याकुल रहता है. यहाँ बालक का अपनी काकी के प्रति असीम प्यार दिखाया गया है. उसकी माँ की मृत्यु हो चुकी है. वह उससे मिलने के लिए पतंग और डोर से आकाश में रह रही माँ को राम के घर से धरती पर लाने की योजना बनाता है. इसलिए चोरी भी करता है तथा पिता से पिटाई भी मिलती है. इस पाठ का सारांश यही है. अतः हम यह कह सकते हैं कि यह पाठ पूर्ण रूप से एक बाल मनोवैज्ञानिक कथा है. कुछ गृह कार्य भी दिया गया है जिसे आप लोग पूरा करेंगे. प्रश्न एक, पाठ में दिए गए किन्हीं 20 कठिन शब्दों को स्वयं छांटकर उनके अर्थ लिखें. प्रश्न दो, निम्नलिखित शब्दों के विपरीत विलोम शब्द लिखें. सवेरे, अंतरण, अंधेरा, शुभ, उदास, बुद्धिमान, आर्द्रता, समझदार, उग्र, आवरण, आसमान, कठिनता, प्रकट, रुदन, इच्छा, प्रफुल्ल, दया. प्रश्न तीन, श्यामू कौन था, उसका संक्षिप्त परिचय दे. प्रश्न चार, काकी कहानी का उद्देश्य लिखिए. धन्यवाद.